दूरदर्शन के सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किरदार करके मशहूर हुए अभिनेता निर्देशक पुनीत इस्सर के बेटे की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। यहाँ लगा ये मजमा इसीलिए है, पुनीत इस्सर के बेटे सिद्धांत की पहली फिल्म लास्ट डील का ऐलान यहाँ किया गया। सिद्धांत को आशीर्वाद देने पहुंचे लोगों में उनके पिता के साथियों में मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर गणेश आचार्य, कॉमेडियन एहसान कुरैशी, गुफी पेंटर पवन कौशिक आदि शुमार रहे। सिद्धांत के पिता पुनीत इस्सर ने क्लैप देकर फिल्म की शुरुआत की औपचारिकता पूरी की। फिल्म के निर्देशक हैं राजेश के राठी। इस फिल्म में सिद्धांत इस्सर के साथ प्रीति चौधरी, सुपर्णा मालाकर, अमित पचौरी नजर आने वाले हैं। बातचीत में ही यूज्ड ए वर्ड विकार। वाह, मैंने कहा विकार, एक तो बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से मैंने शब्द सुना था। बिकॉज आजकल के जो एक्टर्स हैं, इवन जो एडीज भी आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंग्वेज बहुत वीक होती है, हिंदी कितने लोग तो हिंदी पढ़ ही नहीं पाते। सिद्धांत ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के ही एक नाटक के जरिए की। ये नाटक है महाभारत और सिद्धांत ने इसमें दुर्योधन का ही किरदार निभाया था। और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनीत के डैड, मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था, मैं करके आया हूँ, और मैंने नरेशन सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक एज अ एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है, कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर, अपने बल पर खुद गया, ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है। तो दैट वॉज, ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था। सिद्धांत का स्टेज पर काम देखने वाले तमाम लोग भी यहाँ मौजूद रहे, सबने उनके सफल भविष्य की कामना की। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।